मंच पर विराजमान फर्रुखाबाद जनपद के माननीय संघचालक मनी सुबोध जी, सह संघचालक मनी वीरेन जी और आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, अन्य अधिकारीगण और स्वयंसेवक बंधुओं, हम ये बारंबार कहते आए हैं कि संघ की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य हिंदू जागरण, हिंदुओं को इकट्ठा करना, देश को सुरक्षित करना, राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्र में जन चेतना का प्रवाह करना। ये शुरू से पूज्य डॉक्टर साहब का उद्देश्य था। मैंने कई बार ये भी कहा है कि संघ की स्थापना से पहले पूज्य डॉक्टर साहब उत्सव मंडल नाम का एक संस्था चलाते थे और उस संस्था के माध्यम से वो देश में जितने हमारे त्योहार बड़े हैं उन उत्सवों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना, हिंदू समाज को इकट्ठा करना। अभी आपने सुना कि हिंदू पतित नहीं है और हम सब सहोदर भाई बहन हैं, तो ये सहोदर भाई बहन हैं ऐसा कैसे पता लगे और ऐसा कैसे जागरण हो, उसके लिए जब त्योहारों की बात, उत्सवों की बात हमने कही तो उत्सवों में हमने मकर संक्रांति का उत्सव एक मुख्य उत्सव हुआ करता है, तो मुख्य उत्सव के रूप में हमने मनाना शुरू किया। उसके दो आधार हैं, एक वैज्ञानिक आधार है और दूसरा सामाजिक आधार है। वैज्ञानिक आधार यह है कि बहुत वर्ष पहले 22 दिसंबर के दिन मकर संक्रांति पड़ती थी। बहुत पुराने ग्रंथों में अगर मिलता है तो ऐसा मिलता है कि 22 दिसंबर को पड़ती थी। धीरे धीरे करके वो एक एक दिन बढ़ते हुए आज 15 तारीख तक पहुंच गई। ऐसा तो विवरण अभी हमको कुछ दिन पहले ही मिलता है कि विवेकानंद जी का जन्म भी मकर संक्रांति के दिन हुआ था। वो तारीख के हिसाब से जब हम मनाते हैं तो 12 तारीख पड़ती है, वैसे अब 15 पड़ने लगी है। अभी तक 14 पड़ती थी, अब 15 तारीख, संभव है कि अगली बार से मकर संक्रांति 15 तारीख को होगी। क्या है कि दिन और रात बराबर होते हैं, उत्तरायण सूर्य चलते हैं। उत्तरायण का मतलब हम उत्तरी ध्रुव के रहने वाले लोग हैं तो दिन बड़ा होने लगता है और दक्षिणी ध्रुव में जब रहता है सूर्य तो फिर छोटा होता है और इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। हम बहुत बार पहले भी ये कह चुके हैं और कहते आए हैं कि हमारे सभी त्योहारों का आधार वैज्ञानिक है। भारतवर्ष में एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसका आधार वैज्ञानिक ना हो और सामाजिक ना हो। वैज्ञानिक आधारों में इस समय, जिस समय मकर में संक्रांति होती है यानी कि मकर में सूर्य का प्रवेश होता है तो शारीरिक शिथिलता आती है, स्किन की डिसीजेज होती हैं। इन स्किन की डिसीजेज और शारीरिक शिथिलता और मौसम का परिवर्तन, ऋतु का परिवर्तन जब यहां से शुरू होता है तो व्यक्ति को जो ऊर्जा है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमने उस ऊर्जा की आवश्यकता के रूप में गंगा स्नान करेंगे, स्किन डिसीज को समाप्त करने के लिए गंगा स्नान करेंगे। इसके अतिरिक्त नदियों में जो बाष्प बनती है उस बाष्प के किनारे हम रहते हैं, नदियों के किनारे हम रहते हैं तो वहां पर प्रवास करके हमारे शरीर को एक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर कमजोर होता है, इस समय भोजन बड़ा नियंत्रित तो होना चाहिए तो हमने खिचड़ी का भोजन करेंगे, खिचड़ी का सेवन करेंगे इस समय पर, ऐसा भी तय किया। समाज जब आगे बढ़ा होगा तो भारत में जो जाति व्यवस्था डेवलप हुई इसको लोग जाति व्यवस्था कहते हैं, लेकिन हम भारत में इस जाति व्यवस्था में जो आज पढ़ रहे हैं वो हमें लगता है कि बहुत बाद में लिखा गया होगा। जाति व्यवस्था का मतलब होता था कार्य विभाजन। हम सब एक हैं, सहोदर हैं, एक भारत माता की संतान हैं और एक भारत माता की संतान होने की वजह से हम में कोई भेदभाव नहीं है। हम कोई छोटे बड़े नहीं है, कोई कार्य के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता। और ये भी संभव है कि बहुत पहले जिस समय ये सब शुरू हुआ होगा उस समय ये जो करेंसी चलती है आज की नहीं चलती होगी, सेवा भाव से हम काम करते रहे होंगे। गांव में हर प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति हो, हर प्रकार की जरूरत हमारी पूरी हो और हमारी जरूरत पूर्ण होने के बाद जो अतिरिक्त बचेगा वो अतिरिक्त हम हमारी सुरक्षा के लिए खर्च करेंगे यानी कि राजा को देंगे।
या जो भी हमने जिसको भी मान रखा है कि ये हमारी सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी है, उस समाज को हमारे यहां जो अतिरिक्त प्रोटेक्शन होगा वो उसको देंगे। सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी है, बाहरी सुरक्षा की, अंदर की सुरक्षा की और व्यवस्था की। हम सब सेवा भाव से काम करने वाले लोग हैं और जब सेवा भाव से हम काम करते हैं तो हम में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, क्योंकि उस पर धन का मूल्यांकन नहीं होता, धन से मूल्यांकन नहीं होता। और जब धन से मूल्यांकन नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते कि हम में कौन और बड़ा और छोटा है। लेकिन जिस दिन से आप कार्य को धन से मूल्यांकन करना शुरू करेंगे, उस दिन आप ये मानकर चलिए कि छोटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धन ही क्राइटेरिया बन जाएगा बड़े और छोटे का, और उसके आधार पर सामाजिक कार्यों में भी बड़ा छोटा होना शुरू हो जाएगा। यही कारण रहा होगा कि बाद में मुसलमानों के आने के बाद यह व्यवस्था जब भंग की गई, सेवा भाव की व्यवस्था भंग की गई और ग्रंथों को जलाया गया, भारत के समाज को नष्ट किया गया, तो भारत के समाज को नष्ट धीरे धीरे करने के साथ साथ जो प्रक्रिया भारत में डिग्रेडेशन की शुरू हुई, क्षरण की शुरू हुई, वो क्षरण की प्रक्रिया ने ही भारत के समाज को जाति व्यवस्था में बांधकर अलग अलग प्रकार से खड़ा करना शुरू किया और भेदभाव शुरू हो गए। अब इन भेदभावों को दूर करने के लिए हमारे समाज में हमारे पूर्वजों ने पहले से व्यवस्था करके रखी कि हम सभी उत्सव साथ साथ मनाएंगे, होली का त्यौहार हम साथ मनाएंगे, दीपावली का त्यौहार साथ मनाएंगे, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के लिए मनाएंगे। ऐसा कोई समाज में रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते के लिए हमारे पूर्वजों ने एकीकरण करने के लिए उत्सव का निर्माण न किया। हर एक रिश्ता, समाज का हर एक व्यक्ति, समाज की हर वो वस्तु जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमने उत्सव मनाया। कभी हम जल चढ़ाने का उत्सव मनाते हैं, तो कभी हम नदियों में स्नान करने का, नदियों को साफ करने का, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए और भूमि के संरक्षण के लिए समय समय पर उत्सव मनाते रहते हैं। इन उत्सवों में ही जब समाज एक साथ खड़ा दिखाई दे, उसके लिए आज का जो त्यौहार है, आज का जो उत्सव है, वो बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। आवश्यकता तो हमने कहा जैसे कि वैज्ञानिक भी है, क्योंकि शारीरिक आवश्यकता है कि भोजन हल्का जाए और हमारे शरीर में स्किन डिसीज वगैरह की जो समस्या होती है उसके लिए गंगा स्नान हो, हम ऊर्जावान बने, ऊर्जा के लिए हमारा एकत्रीकरण हो, कुछ खेल कूद हो, कुछ काम हो। लेकिन इस काम को पूर्ण करने के लिए, इस काम में भेदभाव समाप्त करने के लिए हर घर से थोड़ी खिचड़ी आए और सामूहिक रूप से हम पकाएं और सामूहिक रूप से पकाकर हम एक साथ खाएं, हम भेदभाव, हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो कर्म व्यवस्था है, वो कर्म हम जब कर रहे थे तब कर्म वहां छोड़ाए, आज हम एक स्थान पर बैठकर एक साथ त्यौहार मनाएं, तो ऐसा करने से समरसता आती है। यानी कि भेदभाव का प्रश्न मन में नहीं आता, छोटे बड़े का भेद भी मन में नहीं आता। संघ ने भी उन्हीं परंपराओं को पूर्ण करने के लिए, उन्हीं परंपराओं को चालू रखने के लिए, उन परंपराओं को ही आगे बढ़ाने के लिए भारत में हिंदू समाज का जो क्षरण करने का प्रयास किया गया, उस क्षरण को समाप्त करके समाज एकजुट खड़ा दिखाई पड़े, तो हमने वो प्रयास किए। उसी त्यौहार में हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। अब बात गंभीर है, क्योंकि समाज सदैव दो भागों में बटा रहा, एक को हम राक्षस कहते हैं और दूसरे को हम देवता कहते हैं। नेतृत्व करने वाले लोग, जो सात्विक शक्तियां होती हैं, उनको हम देवता की संज्ञा देते आए, और जो समाज को तोड़कर समाज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, उनको अपने अधीन करना चाहते हैं, उनको अपने लिए चलाना चाहते हैं, उनका सबसे पहला काम यह होगा कि सामाजिक व्यवस्था को भंग करें। जब तक वो सामाजिक व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे, तब तक वो राज नहीं कर सकते, तब तक वो हम पर हावी नहीं हो सकते, तब तक वो हम पर शासन नहीं कर सकते। इसके दो तीन प्रकार हैं। पहले तो जो हमने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के आधार पर ही भेद करना। हमने व्यवस्था बनाई कर्म विभाजन की, तो कर्म के आधार पर भेद करना। तुम छोटा काम करते हो इसलिए निकृष्ट हो, तुम बड़ा काम करते हो इसलिए उत्कृष्ट हो।
और जैसे ही मन में ये भाव किसी प्रकार से आया कि हम छोटे बड़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि राक्षसी शक्तियों को बल मिलता है, राक्षसी शक्तियों को पूरी शक्ति मिलती है, और उस शक्ति का इस्तेमाल हमको तोड़ने में, हमको अलग अलग करने में करते हैं। और उद्देश्य एक है कि मनों के ऊपर और जमीनों के ऊपर, लोगों के ऊपर शासन कैसे किया जाए, उनको अपने अधीन कैसे लाया जाए। उनको अपने अधीन लाने के लिए ही ये सारे षड्यंत्र किए जाते हैं, हर युग में हुए। आप अगर रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो रामायण में आपको मिलेगा कि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और वो हड्डी का टुकड़ा डाल गए। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और उनके भोजन में मदिरा मिला दी, या भोजन पक रहा है उसमें एक मांस का टुकड़ा डाल दिया। धर्म भ्रष्ट होगा तो निकृष्टता आएगी, मन विचलित होगा। मन जब विचलित होगा तो मन पर कंट्रोल होगा, और नेतृत्व करने वाली शक्तियां कमजोर होंगी, और नेतृत्व करने वाली शक्तियां जब कमजोर होंगी तो ही समाज पर शासन किया जा सकता है। यही काम समाज को तोड़ने के लिए मुगलों ने किया, यही काम अंग्रेजों ने बखूबी किया, लिख पढ़कर किया, लिटरेचर लिखा, इतिहास बताया, गलत इतिहास लिखा गया, और ये सब काम चला। 47 में स्वाधीन होने के बाद ये हमारा कर्तव्य बनता था कि हम उन चीजों को सही करें। दुर्भाग्य से हम सही नहीं कर पाए, और सही नहीं कर पाए तो संघ समाज शुरू से इस विचार में था, उसको पहले से समझ में आ रहा था कि समाज को तोड़ने के लिए हजारों साधन हैं, और समाज को तोड़ने के लिए लोग लगातार लगे हुए हैं। वो विदेशी शक्तियां ही नहीं, वो स्वदेशी शक्तियां भी हैं, जो देश के अंदर ही समाज पर किसी न किसी प्रकार से उसको अपने अधीन बनाना चाहते हैं। शक्तियां हैं, करती हैं। उसी कड़ी में हमने देखा कि एक परिवर्तन आया देश में, और परिवर्तन आया तो हिंदू समाज, जिसको यह लगने लगा था कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, हम खुद में निकृष्ट हैं, और हम स्वयं में ही अपने ही लोगों को यह कहने लगे थे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे लोग कुछ नहीं कर सकते, ये भाव पैदा होने लगा। नतीजा निकला कि समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भी मौन साधन कर गए, और उनके मौन साधना से समाज का नेतृत्व करने की शक्ति रखने वाले लोग भी कमजोर पड़ते चले गए, क्योंकि समाज का नेतृत्व करने वालों की कमी नहीं थी। संघ का निर्माण इसलिए हुआ कि हम देश की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे। राष्ट्र में जितने प्रकार की समस्याएं हैं, वो सभी समस्याओं पर संघ का स्वयंसेवक काम करेगा। वो किसी प्रकार की समस्या हो, वो आर्थिक समस्या हो, वो सामाजिक समस्या हो, वो राष्ट्रीय समस्या हो, वो सुरक्षा की समस्या हो, वो समाज की समरसता की समस्या हो, जिस प्रकार की भी समस्या समाज में दिखाई देगी, संघ का स्वयंसेवक उस पर काम करेगा। ये मन हमारा बनना शुरू हुआ आज से 8-10-5-7 साल पहले। समाज उठकर खड़ा हो गया, और समाज इतना खड़ा हो गया कि आज हिंदू समाज को ये लगने लगा है कि हम पुनः विश्व गुरु, पुनः वैभव की स्थिति में जा सकते हैं, और पूरे विश्व से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अच्छी करने की स्थिति में आ सकते हैं। ये मन लोगों का बनने लगा। लेकिन एक चीज जो सदैव से जिस पर खेला जाता रहा, हमेशा से, मैंने जैसे कहा कि जो हमने कार्य विभाजन किया था, उस कार्य विभाजन को जाति विभाजन और ऊंच नीच के विभाजन में बदलने का कार्य जिन्होंने किया, वो पुनः सक्रिय होते रहे हैं और पुनः होते रहेंगे। अभी पिछले 4-5 दिन से हम देख ही रहे होंगे, कोई साधन नहीं है। समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों में कोई कमी अगर नहीं ढूंढ पाए तो एक कमी